टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पहली बार चुना गया था तो उस समय अशोक होटल बन रहा था, लोकसभा में एक दिन बहस होने लगी तो नेहरू जी मौजूद थे उस बहस में, तो होटल सरकार बनाए कि न बनाए, घाटे में रहेगा कि फायदे में रहेगा, मैं खड़ा हो गया, मैं नया नया मेंबर था, मैंने कहा सरकार का काम होटल बनाना नहीं है, हॉस्पिटल बनाना है। तो नेहरू जी बिगड़ गए, ये नए मेंबर आए हैं, ये बातें समझते तो है नहीं, हम होटल भी बनाएंगे और होटल के मुनाफे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे, वो होटल अभी तक घाटे में चल रहा है। और हॉस्पिटल बने नहीं? हॉस्पिटल तो खैर बन रहे हैं थोड़े। के दोबारा प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के एक महीने के अंदर ही वाजपेयी सरकार ने एक ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज से समूचा विश्व भौंचक्का रह गया। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। टुडे At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. We had my presentation, and we had intensive discussion progressing the YEN program. This incident. Reveals the maturity and professional excellence of a patriotic statesman who believed that the nation bigger than the political system. Prime Minister banne ki meri mahatvakanksha nahi thi, mujhe andaaz bhi nahi tha ki main kabhi Prime Minister ban jaunga, main to patrakar ke naate apni zindagi बिताना चाहता था, लेकिन राजनीति में जब आ गया और उसमें फंस गया तो मेरी इच्छा थी और अभी भी है कि मैं बेदाग इसमें से निकल जाऊं और लोग मेरे बात कहें कि अच्छा आदमी था जो देश को दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। जब जब राष्ट्र पर संकट आया, अटल जी ने मतभेद भुलाकर हमेशा राष्ट्रीय जनभावना का साथ दिया। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के अवसर पर भरी संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने पार्लियामेंट में जब ये कहा बांग्लादेश जीत तुम्हारी हो गई, उन्होंने बधाई दी इंदिरा जी को, कहा कि ये खूब लड़ी बरतानी और खूब लड़ी हैं और उन्होंने देश को झुकने नहीं दिया, सेनाओं को मन बल ऊंचा रखा है, बड़ी वीर क्षत्राणी है। अटल जी की देश भर में पॉपुलैरिटी का एक कारण है उनके भाषण देने का अंदाज, उनका अंदाज़े बयां। मेरे पिताजी बहुत अच्छे वक्ता थे, उनकी तुलना में मैं बहुत छोटा वक्ता हूँ। पर वो पॉलिटिक्स में तो नहीं थे? नहीं थे, इसलिए उनका नाम नहीं हुआ, इसलिए लोग उन्हें जानते नहीं है। बहुत अच्छे वक्ता थे और मेरे बाबा भी बहुत अच्छे वक्ता। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं? प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। आपको मालूम है हिटलर शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस? मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं। कभी नहीं? कभी। पाकिस्तानी सेना ने उग्रवादियों के साथ मिलकर करगिल क्षेत्र में घुसपैठ की और कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल जी की सरकार ने इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया। उनमें से प्रत्येक को यह बताना चाहता हूँ कि पूरा देश आपके साथ है और प्रत्येक भारतीय आपका आभारी है। यह लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई है, इसमें विजय के लिए हम जो भी साधन सामग्री जरूरी होगी उसका प्रबंध किया जाएगा।
उन्होंने तुरंत भारतीय सेनाओं को दुश्मनों को भारत की भूमि से मार भगाने और उसे उनकी कायरता और धोखेबाजी के लिए सबक सिखाने के आदेश दिए। He gave us full latitude to plan our operation. He listened, but he never interfered in our operational planning. In the beginning, when President Clinton asked him to come at the same time when he had called Nawaz Sharif, Prime Minister Bajpayee refused to go. He said, "Nahi, main nahi aaunga." पाकिस्तान के साथ ठंडे पड़े संबंधों को गर्माहट देने के मकसद से अटल जी 20 फरवरी 1999 को दोस्ती की बस लेकर लाहौर पहुंचे। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत जंग नहीं, दोस्ती चाहता है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। तीन बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। अगणित बलिदान और से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है।